सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा। उनके पिता को कुछ ऋषियों ने आगाह करा था कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है, कुछ देखे होंगे उसके लक्षण। तो पिता ने बड़ा बंदोबस्त किया, उसको कभी दुख महसूस ना होने दें, उसके लिए भोग विलास के सब साधन इकट्ठे कर दिए, और राज्य की जो सुंदर सुंदर लड़कियां थीं उनको बुलाते और कहते ये मेरे बेटे के साथ रहो, दोस्ती करो, राग रंग हो, नाच गाना हो। कहानी है, जानता नहीं, कहानी है कि एक रात ऐसे ही देर तक चला नाच गाना, मदिरा इत्यादि भी रही होगी। तो जितनी लड़कियां आई थी उनकी शायद सिद्धार्थ ने भी पी होगी, सब अपना बेहोश पड़े हैं। बहुत देर रात करीब करीब भोर अचानक सिद्धार्थ की नींद खुली, होश आया, और वो सब रूपसी सुंदरियां अव्वल नंबर की, उनको बुलाया गया था, अब वो सब बेहोश ढुलकी पड़ी थी। और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल फटी फटी आंखों से देखा होगा उनको कि कहाँ गया इनका रूप, किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुंह पे मल रखा है, चौक खड़िया वो सब धुला हुआ है, किसी के मुंह से लार बह रही है, किसी के सुंदर कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो वो बदसूरत लग रही है उत्तेजक लगने की जगह, कोई मुंह फाड़े पड़ी हुई है बेहोशी में, कोई खर्राटे मार रही है, किसी ने इतनी पी ली है कि उसने उल्टी उल्टी कर दी हो, अपनी ही उल्टी में लतपत पड़ी है वमन करके। सिद्धार्थ ने ये सब देखा, अगर ये है रूप की असलियत तो नहीं चाहिए रूप। रूप भी तभी सुहाता है जब बड़ी तैयारी करके आता है। सब पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम 3 महीने काम करें, ये व्यवस्था बननी चाहिए। जाके देखो तो, जिस रूप यौवन के पीछे तुम इतने पागल रहते हो उसकी हकीकत क्या है। जितने फल और सब्जियां रसोई में नहीं पाए जाते उससे ज़्यादा मुँह पर मले जा रहे हैं, दुनिया भर के रसायन देह पर घिसे जा रहे हैं, भौहें नोची जा रही हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मोम रगड़ा जा रहा है, और चीख पुकार भी मची हुई है, हाय 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 हाय, आंसू भी निकल रहे हैं, पर ये कार्यक्रम होना ज़रूरी है ताकि देह आकर्षक प्रतीत हो सके। जिसने इस व्यापार को देख लिया, मुझे बताओ अब वो देह को कीमत कैसे देगा।